सब्सक्राइब कीजिए जीनस इंग्लिश चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएनएस इंग्लिश चैनल। आज मैं आपको मल्टी डायमेंशनल टैलेंटेड बनाने जा रहा हूँ। आपके प्रिपरेशन में कोई भी लूप होल नहीं हो, देयर शुड बी नो गैप इन द फोर्टिफिकेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो देर किस बात की, हम बिगिनिंग करते हैं। एक पर्टिकुलर वर्ड मैंने माइंड लिया है, इससे हजारों हम सेंटेंस बना सकते हैं। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, प्रोवर्ब भी है। तो हम बिगिनिंग करते हैं। तो माइंड का फर्स्ट मीनिंग है मेमोरी, यानी यादाश्त, रिमेम्बरेंस, कमेमोरेशन। तो ही हैज ए शार्प माइंड, वह तेज दिमाग का है। पहला है मेमोरी, रिमेम्बरेंस यानी एबिलिटी टू थिंक और रीजन समथिंग। और माइंड का दूसरा अर्थ होता है पे अटेंशन टू, ध्यान देना, पे हीट टू। देखो, यू शुड ऑलवेज माइंड द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स, तुम्हें हमेशा अपने से बड़ों के सुझाव को पालन करना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। तो पे अटेंशन टू मतलब होता है, माइंड का मतलब पे अटेंशन टू भी होता है। नेक्स्ट मीनिंग है माइंड टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना भी। माइंड का मतलब होता है देखभाल करना। तो हु इज माइंडिंग द बेबी, इस बच्चे शिशु का देखभाल कौन कर रहा है। तो यहाँ टेक केयर ऑफ है। आप देखते जाइए, बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं जो स्पोकन इंग्लिश में आजकल बहुत ही जो प्रिसाइजली यूज हो रहे हैं, आप देखेंगे। नेक्स्ट, माइंड टू हैव ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन टू समथिंग, किसी चीज का विरोध करना माइंड होता है। देखो सेंटेंस, आई डोंट माइंड योर सिंगिंग व्हाइल आई एम रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा हूं तुम्हारे गीत गाने का मैं बुरा नहीं मानता, मैं विरोध नहीं करता। आगे आप देखेंगे माइंड का मतलब होता है ए हम्बल रिक्वेस्ट, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज, कृपया आप दरवाजा खोलेंगे। आप देखेंगे कि यह जबरदस्त यह पोलाइट सेंटेंस है। जब वुड यू माइंड लगाकर हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगता है। ये बहुत ही जबरदस्त हम्बल रिक्वेस्ट है, इसे विनम्रता का भाव बोध होता है। तो वुड यू माइंड गिविंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह से मतलब आप सेंटेंस बनाओ और आप प्रैक्टिस करो मेरे साथ। इस वीडियो को बार बार वॉच करो, बीच में स्किप करोगे तो मैं चैलेंज करता हूँ, सीख नहीं पाओगे। और रेगुलर देखोगे तो आपको मैं शेक्सपियर बना के छोड़ूंगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ माइंड, एबिलिटी टू एक्ट और डिसाइड क्विकली व्हेन इट इज नीडेड। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमायर द प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड चंद्रशेखर आजाद की प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग की इतनी सूझबूझ की उन्होंने तारीफ की थी। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि किसी भी चीज को, कितने भी आप जस्ट लाइक प्रिडिकमेंट सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में, आप फटाफट डिसीजन ले सकते हैं और अच्छे काम कर सकते हैं। एब्सेंट माइंडेड, जिसकी मेमोरी फेल हो चुकी है, कम दिमाग का। जनरली द एब्सेंट माइंडेड स्टूडेंट फेल इन द एग्जाम, जो एब्सेंट माइंडेड है, कम दिमाग का है या फीवल माइंडेड पर्सन है, वह एग्जाम में फेल कर जाते हैं। नेवर माइंड, डोंट वरी, ये अच्छा यूज हो रहा है। नेवर माइंड डोंट वरी, इट डजंट मैटर एट ऑल, कोई बात नहीं, माइंड मत करना। नेक्स्ट है मेक अप वन्स माइंड, कम टू ए डिसीजन। देखो मेक अप वन्स माइंड, एक डिसीजन पर पहुंचना, ठीक है, फर्म डिसीजन हम जो लेते हैं वही होता है। आई हैव मेड अप माई माइंड टू बी ए डॉक्टर, मैंने डॉक्टर बनने का मैंने निर्णय लिया है। तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मेरे पढ़ाई जितनी भी है, आज आईएएस है, पीसीएस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और फॉरेन कंट्री में मेरा नाम रोशन कर रहा है। तो आप बाय हार्ट इसे आप लर्न करेंगे, ये मेरा रिसर्च का ही परिणाम है कि जो मैं पर्टिकुलर वर्ड पर मैं आपको इसमें वर्ड बता रहा हूँ, जो आजकल स्पोकन इंग्लिश में खूब यूज करते हैं लोग। नेक्स्ट आप देखेंगे माइंड बॉगलिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एस्टोनिशिंग। तो माइंड बॉगलिंग का मतलब होता है
एस्टोनिशिंग, जो बहुत ही आश्चर्यजनक है, वंडरफुल है, हैरत अंगेज कर देने वाला है। तो माइंड बॉगलिंग इन द आईएएस एग्जाम, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ठीक है। तो माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन आईएएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पजलिंग टू माइंड, जिसका आंसर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसे हम माइंड बॉगलिंग कहते हैं, ठीक है। माइंड ब्लोइंग प्रोड्यूसिंग ए स्टेट ऑफ एक्सटेसी, मतलब कोई अगर कोई ड्रग लेता है तो बहुत ही उन्माद एक्सटेसी हुआ फीलिंग करता है, तो इस अर्थ में जो माइंड ब्लोइंग हुआ, ठीक है। तो और भी हम यूज कर सकते हैं, माइंड ब्लोइंग सिचुएशन है उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा मत मानो, इफ यू डोंट माइंड, डोंट स्मोक हियर, तो बुरा मत मानो, यहाँ आप स्मोक मत करो, इफ यू डोंट माइंड यू विल मस्ट अबैंडन स्मोकिंग, आप बुरा मत मानो, आपको स्मोकिंग जरूर छोड़ देना चाहिए। आई डोंट माइंड, मैं परवाह नहीं करता, आई डोंट माइंड व्हाट पीपल थिंक्स अबाउट मी, आई डोंट माइंड व्हाट द पीपल थिंक अबाउट मी, तो पीपल प्लूरल है इसलिए ऐसे आई इस वर्ब में नहीं लगेगा, आई डोंट माइंड व्हाट द पीपल थिंक अबाउट मी। तो देखेंगे डोंट माइंड, माइंड योर आवर बिजनेस, देखो कि आप लोगों को बहुत ही कुछ ऐसे लोग हैं कि अपने काम से मतलब नहीं है, बार बार आपको परेशान करेंगे कि कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, तो इस तरह तो उस व्यक्ति को कहो इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस, वो आदमी जो चुप हो जाएगा बिल्कुल, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस, अपना काम करो, मेरे बारे में नुक्ता चुनी मत करो। अब अगला है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंख से ओझल पहाड़ ओझल, तो ये प्रोवर्ब है, व्हाट इज नॉट सीन इज सून फॉरगेटन, जो नहीं देखा गया वो जल्दी ही भुला दिया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम बना सकते हैं, जैसे माइंड आउट है, माइंड आउट, अलर्ट, बी वेयर ऑफ, तो माइंड आउट, द डॉग इज सेट फ्री, सावधान, कुत्ते खुले छोड़ दिए गए हैं। तो इस तरह से आप बाय हार्ट लर्न करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।